अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई देखो, आपका फॉर्म टैंक हो गया रेडी और ये आपकी मैंने मोटर भी रेडी कर दी है। आप सुबह आने वाले हो, इसके देखो रात 10:30 बजे मैंने आदमी को लगवा के दोनों के दोनों रेडी करके रख दिया। ये आपकी कार में दोनों के दोनों आइटम चले जाएंगे। बाकी आपका कॉम्प्रेसर जो है वो 7-8 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट से आपको ट्रांसपोर्ट से उठाना पड़ेगा। और आप बोल रहे थे कि भाई सर्विस सेंटर कैसे चलाया जा रहा है, उसके बारे में बता दो मुझे। और आपने ये भी कहा था कि भाई जो आप मेरे लिए सामान बनाओगे तो उसका वीडियो मेरे पर डाल देना। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो उसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं। तो आप बोल रहे कि भाई आपकी रहनुमाई में मैं काम करूंगा सर्विस सेंटर का। तो मुझे टेंशन आ गई कि भाई मैं आपको क्या एडवाइस दूं कि मेरे रहनुमाई में आप काम करेंगे, क्या बोलते मेरे एडवाइस में काम करेंगे आप। तो ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, खाली आपके स्पेशल आपके लिए भी नहीं, आप आपके लिए भी है और सबके लिए भी है। ये सर्विस सेंटर का जो काम है वो ऐसा है कि आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बंदे रख लिए और आपको पैसा ला के देंगे उन लोग, ऐसा नहीं होता। आपको खुद लगना पड़ेगा और कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा और उनकी गाड़ी साफ अच्छी तरह करके देनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई आपने बंदे लगा दिए वो गाड़ी कर दे और आप आराम से कुर्सी पे बैठे वो पैसा ला के देंगे, नहीं होता। और ये काम ऐसा है कि कोई भी आदमी आएगा, आप 60-70 या 100 रुपये ले रहे हैं, वो आपको हर जगह मट्टी दिखाएगा। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना कि भाई मट्टी जो दिखाएगा आपको उसको क्लीन करके देना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत है कि आप पॉलिशिंग चालू कर सकते हो, डैशबोर्ड पॉलिश है, फिर उसके बाद टायर पॉलिश है, ये सब कर सकते हो। और इसमें जो सर्विस सेंटर में मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बंदे नहीं मिलते, क्योंकि आप उसको सेफ्टी शूज ला के दोगे तो बंदा जल्दी पहनता नहीं सेफ्टी शूज, उसके पैर कट जाते हैं, कटने के बाद उसमें से खून निकलता है या तो फिर उसको दर्द होता है बहुत, इससे वो सही से चल भी नहीं पाता। जो बंदे पानी में काम करने वाले होते सर्विस सेंटर पे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब उनका जब जख्म होता है ना तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुम 50,000 पगार दोगे तो भी हम काम नहीं करेंगे, ये पानी का हम नहीं करते। क्योंकि देखो, अगर आप ये पहले से ही अपने सर्विस सेंटर में स्टिक रखोगे कि भाई स्विच पेन के ही काम करना है आपको, जो बूट आता है ना इतना इतना पानी वाला, अभी है रखा है मेरे पास गम बूट बोलते हैं उसको, गम बूट पहन के ही काम करना है। जिस तरह से एक मिलिट्री की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी होती है, फायर ब्रिगेड वालों की वर्दी होती है, उसी तरह से सर्विस सेंटर वालों की भी अगर आप पहले से ही ऐसे एक वर्दी बना लोगे कि भाई हैंड ग्लोव पहन के ही काम करना है और गम बूट पहन के ही काम करना है, तो आदमी आपके पास टिकेंगे और काम करेंगे। और ऐसे ही जैसे हमारे आदमी काम करते हैं वो नहीं मानते, क्योंकि आदत ही नहीं है इन लोगों को। और मेरे कितने सारे आदमी आते हैं 7 दिन काम करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पैर सड़ गए हम काम नहीं करते। और इसके बाद अगर आप आदमी लोगों के लिए, जैसे आपके पास 4 आदमी काम करते हैं, उनके लिए एक बावर्ची रख लो, नाश्ता और 2 टाइम का खाना उनको बना बनाया दो, तो भी आदमी आपके पास टिक के काम करेंगे। क्योंकि सर्विस सेंटर का जो काम है वो सिर्फ आदमी के ऊपर है कि भाई ये तो नहीं कि भाई अपना ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर लगा लिया है उसमें बरस घूम रहा है गाड़ी होकर चली जाएगी, क्योंकि ये इंडिया है अपना, जब तक हाथ नहीं मारें जब तक गाड़ी साफ नहीं होती। तो सब काम आदमी के ऊपर है। तो आदमी रखने का आइडिया ये है कि आप एक बावर्ची रखो और उनको खाना खिलाओ, भाई तुम काम करो तुम्हारा खाना बन के रेडी होगा, तुम आके टाइम पे खाना खा लो, और एक एक आदमी खाना खाएगा फिर काम पे लगेगा। ऐसा करोगे तो आपके पास आदमी काम करेगा। और जो बाकी ये जो है ये सिरेमिक पिस्टन वाला है, इसमें ज्यादा कुछ मेंटेनेंस निकलता है नहीं, निकलेगा तो फटाक से इसका रबड़ चेंज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या तो फिर आपके इधर भी मिल जाएगा। और इसके 3-फेस लाइन इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि 3-फेस में जो है ज्यादा मेंटेनेंस निकलता नहीं है, ना तो कैपेसिटर ना तो कुछ, उसके बाद टॉर्क लोड अच्छा लेता है, तुरंत घूमना चालू हो जाता है और इससे लाइट बिल कम आता है। सिंगल फेस में ज्यादा लाइट बिल आता है, जब आप सिंगल फेस को चालू करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो लाइट खाने का उसका बहुत जबरदस्त रहता है, डायरेक्ट वो 45 एम्पीयर पे जाएगा फिर वो 12 एम्पीयर पे आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका टॉर्क लोड जाएगा 25, मतलब 25 एम्पीयर तक जाएगा अगर गया तो, अगर वोल्टेज अच्छा रहे तो उतना भी जाएगा नहीं, वो तुरंत फिर 2-2 एम्पीयर पे आ जाएगा, मतलब एक फेज पे 2 एम्पीयर, एक फेज पे 2, एक फेज पे 2। और 3 HP की मोटर है, जल्दी जलेगी भी नहीं। और उसके बाद 2-3 साल के बाद इसका बेयरिंग चेंज कर देना तो जलने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अपन लोग मोटर का बेयरिंग चेंज करते हैं नहीं, चलाते रहते हैं भाई, जब तक पूरा थपना हो जाए, पूरा खत्म ही ना हो जाए, जब तक अपन उसका सर्विस भी करते नहीं है। तो अगर आप टाइम टू टाइम इसका 2-3 साल के बाद अगर कुछ आवाज आ रही है कोई खर खर की, तो इसका बेयरिंग चेंज कर देंगे तो आपकी इसकी लाइफ तो बहुत रहेगी।
और मैं सबसे सेंटर वाले को यही बोलता हूँ कि भाई 3 फेज ही ज्यादा यूज करो, क्योंकि उसका लाइट बिल भी आपको कम आएगा और सिंगल फेज में लाइट बिल ज्यादा आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और क्या बताऊं मैं, उसके बाद हैंड ग्लोव पहनो तो आपके शैम्पू में आपके हाथ खराब नहीं होंगे, क्योंकि जब हाथ खराब होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें एसिड सैलरी होता है, एसिड सैलरी होने की वजह से हाथों में एक लेयर भी आ जाती है ब्लैक ब्लैक एसिड, तो उसमें भी आपके वर्कर डर जाएंगे भाई ये क्या हाथ हो रहा है हमारा, बुड्ढो जैसा हाथ हो जाता है। शैम्पू की वजह से हाथ खराब हो जाता है, तो शैम्पू भी अच्छा पीएच लेवल वाला यूज करोगे तो उससे भी हाथ खराब नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ऐसे फिर रहता है। बाकी आप हैंड ग्लोव पहन के ही यूज करेंगे, आदमी को बोलेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। और अगर आपको आदमी भाग गए और आपके अंदर दम है या खुद ही पानी मारेंगे और शैम्पू मारेंगे तो आपका काम चलेगा। बाकी आप कल आ रहे हो और भी बैठ के बात करेंगे। पंप टैंक रेडी है, मोटर और पंप रेडी है, कंप्रेसर कुरियर से सॉरी ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा, 7-8 दिन में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। सुबह आके बात करते हैं, आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। ये वाली वीडियो अब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।